नमस्कार। आजकल उत्तर भारत में राजनीतिक तूफान आया हुआ है और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कोई कहीं भाग रहा है तो कोई कहीं। इसी बीच बिहार में सियासी उठापटक चल रही है, जिसमें एलजेपी के 5 सांसदों ने मिलकर अपने ही नेता को हटा दिया और लोकसभा अध्यक्ष को लेटर लिखकर कहा कि एलजेपी के अब हम नेता हैं, इसलिए हम चिराग पासवान की जगह हमें यानी कि पशुपतिनाथ पारस को लोकसभा में नेता बना दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने बात मान ली। चाचा पशुपतिनाथ ने अब एक और झटका देते हुए अपने भतीजे को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ही हटा दिया। चिराग पासवान सोमवार को जब दिल्ली में अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे, तब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो एक प्रस्ताव लेकर गए थे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनके इस्तीफे की पेशकश के साथ साथ उनकी मां रीना पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग शामिल थी। लेकिन उनके चाचा ने घर का दरवाजा ही नहीं खोला। इंतजार करते करते भतीजे को वापस अपने घर जाना पड़ा। बदली हुई परिस्थिति में चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ सभी 5 सांसद खड़े हैं और वो किसी भी किस्म की सुलह सफाई के पक्ष में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से पार्टी पर कब्जा करने के मूड में है। चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज भी फिलहाल चाचा पारस के साथ हैं। ऐसे में चिराग पासवान पार्टी में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इससे पहले रविवार की देर शाम पार्टी के 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को नेता चुन लिया। पारस खुद हाजीपुर से सांसद हैं। इसके अलावा उनके साथ चिराग को छोड़ चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा सिंह, सूरज भान के भाई सांसद चंदन सिंह और रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस राज हैं। पारस के भतीजे प्रिंस बिहार लोजपा के अध्यक्ष भी हैं। अब खबरों की माने तो 5 सांसद मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हटाना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदा इंतजाम कर लिया गया है। देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन चिराग सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। लेकिन 5 सांसद इमोशंस को हटाकर चिराग को सबक सिखाने के मूड में है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और इसका परिणाम क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि चिराग की जमीन खिसक गई है और इतिहास में राजा के साम्राज्य की तरह पिता के मरते ही चाचा ने भतीजे से हड़प लिया है और भतीजे को कहीं का नहीं छोड़ा है।